أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक. आज हमारा छोटा सा ना मौजू है कि क़यामत वाले दिन जो उनसे ना जो हम वो बड़ा सुनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां बंदे की सिफारिश करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे की सिफारिश करनी है जो ऐसा हो. कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं जो शफात के हकदार हों? उनके बारे में पढ़ते चलते हैं. सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी शफात का सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला वो शख्स होगा जो अपने दिल के खलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे. ला इलाहा इल्लल्लाह कहे खलूस के साथ, ज़रा इसको समझिए बात. अब सिंपल सी बात है, एक बंदा ना उसने कलमा पढ़ा, ठीक है, कलमा पढ़ा इतना सारा कलमा, इतना बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सारा ही है. लेकिन इसके इतने में क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको पता है? तो ये नहीं कि देखे ना मेरे भाई, जब बंदा मरने लगता है, वो जब ये कलिमा कह देता है तो अल्लाह के नबी ने क्या, वो जलती है, क्या है वो कलमा है, वो अपने आखिरी वक्त में शहादत दे देता है. अब एक सहाबी थे, सहाबी नहीं थे लेकिन सड़के है तो अल्लाह के रसूल के जो है ना, है तो मक्का के वो सहाबी थे या मदीना के तो पता नहीं. एक सहाबी थे वो थोड़े ही तंग करते थे, लोग इतना तंग करते थे ये मूसा अलैहिस्सलाम के. मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा, नाम नहीं मुझे ज़हन में आ रहा, वो लोगों को इस कदर तंग करता ना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. मेन पॉइंट जो है वो मैं इस बात करूँगा ना, ये जो बात करने लगा आप बहुत बहुत समझ आ जाएगा. अच्छा, तो वो जो बंदा था वो हर एक को परेशान करता था, ये नहीं कि इसको नहीं, उसने हर को तंग करना था, हर एक को उसने बहुत ज़्यादा ही लोगों को तंग किया हुआ, बहुत ज़्यादा, हत्ता के बस्ती वालों ने उसको मारा पीटा भी सारा कुछ किया, वो बाज नहीं आए. आखिर उन्होंने निकाल दिया, जाओ जी हमारे इलाके से चले जाओ. अब क्या था, किधर जाना था, कहीं कोई गाड़ी में घर तो ये था, निकाल दिया. अब चला गया उधर जंगल में, दूर चला गया. उधर गया, उधर उसने कहा, यार ना मेरे पास रोटी है ना कोई दूसरी चीज़ है, इधर कोई है भी नहीं, ठीक है. और साथ ही उसका आखिरी वक्त आ गया था उसका. इंसान को तो नहीं ना पता होता कि मेरा वक्त इस, मैं 2 मिनट बाद मेरी डेथ हो जानी है, किसी को नहीं पता. अच्छा, बाहर आ वो उधर रहा तो उसने बड़ा परेशान, मुझे बस्ती वालों ने भी निकाल दी. फिर वो उसने दुआ की अल्लाह के, हाँ वो गिड़गिड़ाया, कहता अल्लाह मैं अगर मर जाऊँगा तो मैंने ठीक है माना, मैं बड़ा बड़ा बुरा था इन बस्ती वालों के लिए, बड़ा बुरा था, नहीं था सही, लेकिन अगर मेरे अल्लाह अगर तुम्हें माफ़ ना किया, ऐसे गिड़गिड़ाया उसने कि अल्लाह अगर तुम्हें माफ़ ना किया तो मैं तो गया मैं तो, मेरा कुछ नहीं बनना मेरा. उसने इतनी तरप के साथ दुआ की, कहते हैं अल्लाह ताला ये बस्ती वाले इन्होंने निकाल दिए, हर बंदे ने आया मेरे अल्लाह ताला मुझे मारा पीटा मुझे निकाला, हर काम किया अल्लाह, अगर तू भी ऐसे करेगा तो मैं कहाँ जाऊँ. फिर
अल्लाह ताला ने फिर रहमानी की रहम किया उस बंदे, रहम किया अल्लाह ताला ने उस बंदे, उसको माफ़ किया। क्यों माफ़ किया, समझ रहे हैं बात को? क्यों ये देखे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, खलूस के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, जैसे कहते हैं नहीं आपको गहरे दिल से, मतलब कि दिल की ऊंचाइयों ऊंचाइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ आपको, समझते हैं बात। तो बहरहाल बाद में उसकी मौत हुई, वो उसकी रूह कब्ज हो गई, फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, मूसा फलां जगह पर मेरा एक बंदा है, बड़ा नेक बंदा है, देखो ना मैंने अभी क्या कहा है, मैंने कहा जिसने आपके कद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया वो बंदा जन्नती, ठीक है। और देखे ना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कह दिया, मूसा अलैहिस्सलाम जाए जंगल में, वो दूर जंगल में, वही दूर पर जाते थे उधर गम कलाम होते थे अल्लाह ताला के साथ, लेकिन वो अल्लाह ताला बहुत ऊपर वो पहाड़ों पर, लेकिन चले बाकी वो अल्लाह ताला से वो उनकी जम सा ना एक मीटिंग क्या लो, मीटिंग क्या लो सान लो, तो तब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मूसा आप जाए उधर और मेरा फलां बंदा है तो उसका जनाजा पढ़ रहा है, ठीक है, उसका जनाजा पढ़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों को बताया कि वो जंगल में एक नाम भी लगा रहा था, जंगल में एक कौन सा ना आपकी बस्ती का बंदा है, वो उसकी तो डेथ हो गई आपको पता ही नहीं, कहते हैं हमें तो नहीं पता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम अकेले गए थे, आपको पता है तब रात क्या मूसा अलैहिस्सलाम की कौन थी, नाम की बात मानते थे फिरौन से, उन्होंने इनको निजात दिलाई फिर भी नहीं उन्होंने उनकी मानी, अल्लाह की इस बात पे उनको चाहिए था कि अपने नबी की, उन्होंने जो भी होता अपने नबी की बात मानी, ऐसा हरगिज नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम गए उधर और उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह इधर तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं, तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम आप परेशान ना हैं। बहरहाल ये बात थी, उसने अपने आधी वक्त पे खलूस दिल के साथ दुआ की। दूसरी बात, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये एवरीवन सीख होता है, हमें ये तीन प्लेट में मिले, ये लो खा लो, हमें कमाना नहीं पड़ा। बाहर जाके बंदा करता है दयाली करता है, फिर घर लाता है, एक बंदा है जो कमाता है और दूसरा बच्चा है, और बच्चा ज़्यादा इजी है कि वो कमाने वाला, बच्चा ज़्यादा इजी कमाने वाला, तो सारा दिन उसने कमाना सारा दिन। एक और हदीस है, हज़रत ज़ाफ़ा जहन्नी रस्ताना से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह ताला के यहाँ इस बात की गवाही देता हूँ कि जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वो सच्चे दिल से शहादत देता हो, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है, कोई मकबूल नहीं है, तेरा नबी आ ही है उसके बाद कोई नबी नहीं, सिंपल, उसके बाद अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई आका हैरवान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ कहें ना अल्लाह को छोड़ के किसी और से कुछ चीज़ मिल जाए वो नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। जाते हैं आज मांगते हैं जाके आस्थानों पर सजदे करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, इज्जत अनुराग होता है, जो इज्जत बचाते आते हैं इतने सालों से, बचाते आते हैं अपना बाबे के साथ पास जाके उधर जाके लोग अपनी बर्बाद कराते हैं, अल्लाह के हाँ सिर्फ और सिर्फ इज्जत है मांगने वाले की,
इधर कर दुनिया में किसी से मांगो ना कोई चीज़, दूसरी तरफ दफा जाओ ना निकाल देगी, मना कर दी, अल्लाह के पास जाओ, कितनी बारी जाना है, 10 बारी जाओ, 100 बारी जाओ, कुरूबों में जाओ, अल्लाह ने यही कहना मेरा बंदा है, अल्लाह ने ये नहीं कहना कि नमाज नहीं पढ़ता, ये अल्लाह ने कहना, अल्लाह कहते तू मेरी तरफ फास है, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, सिर्फ एक सजदा दे मेरा, एक दफ़ा अल्लाह की तरफ, अल्लाह तला की तरफ आए तो सही, जू तो बड़े उनकी तरफ, फिर आपको पता चलेगा। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, यानी वो खुद कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर अपने अमाल को दुरुस्त रखा और वो ज़रूर जन्नत में गए। वाह अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में दीन में चलने की तौफीक अता फरमाए।